ये मेरे कॉन्स्टेबल इतना मारा तुझे चुमड़ी तो उतार दी, उसके बाद भी तो बोल रहा है क्या बोलूं? चल बता बता चल साले, तू तुझे मार मार के मेरी कान का वसीला मेरे सर पे आ गया। चल बोल बोल साले बोल। ठीक है सर, मैं बोलता हूँ, मैं सब बोलता हूँ, लेकिन मुझे बोलो तो सही, मुझे बोलना क्या है? हाँ भैरा के भोसड़ी के, तब से तुझसे पूछ रहा हूं, वो 12 लोगों का खून तूने कैसे किया, उसके बाद भी तुझसे पूछ रहा है? तो सच तो बोलो। ये तो आपके चूतिया कॉन्स्टेबल मुझे बोल रहे कि मैं क्रिमिनल हूं। मैंने कब बोला कि मैं क्रिमिनल हूं यार? मैं अपने हक का काम करके आया हूं यार। बात करता है तुझे डर नहीं लगता? उन 12 लोगों का खून करने के बाद जब तू पकड़ा जाएगा तब पुलिस तेरे साथ क्या करेगी, ये कानून तेरे साथ क्या करेगा? हाँ नहीं नहीं डरेगा नहीं। अब इंसान ऐसे काम में डरेगा तो करेगा कैसे? एंड आई जस्ट डिड व्हाट दे फकिंग डिजर्व। या क्या रे, तुझे अंग्रेजी आती? कहां तक पढ़ा है तू और तेरे माँ बाप क्या करते? पढ़ने लिखने में तो बीए हूँ, और पापा कहने के लिए बिजनेसमैन है, मम्मी हाउसवाइफ। जब चच्चे खानदान से है उसके बाद ये सब काम कर, अगर पढ़े लिख लेता तो इस देश का नाम करता। अच्छा हुआ सर, अच्छा हुआ नहीं पढ़ाई की, आगे पढ़ाई नहीं की। आप लोगों का पढ़ा लिखा पढ़ नहीं बनना था और जो मैंने किया वो देश की सेवा की है, सेवा की यार देश की। वैसे तुझे मानना पड़ेगा वो 12 लोगों का लाश तुमने खाटे खाने लगाया, हम चले ढूंढी नहीं पाए और बेरिंग में भी कम नहीं है, इतने सारे खून करने के बावजूद भी तू एक ऑफ हो गया। क्या मानना पड़ेगा? अभी तक नहीं मिली सर, यही तो कला, बाकी सब दिख गया है। चलो पता
अब मैं जेब में रख के थोड़ी ना घूमता हूँ। जोक मार रहा है मादर चोर। यार बोल के तो मारा करो यार। बॉडी का क्या करते हैं? हाँ क्या करते हैं बॉडी का? ठिकाने लगाते हैं? हाँ ना लाश को काटने में ना बड़ा मजा आता है, लेकिन तब जब आपके पास टेक्निक हो। टेक्निक मतलब तुझे तेरी टेक्निक पे बड़ा भरोसा है? वो मतलब जब चाकू लाश के जिस्म को छूती है ना, सर बड़ा मजा आता है, खुशी देख रहा हूँ मेरी। जब जब फ्लैश और ब्लड इक्वली वो बॉडी से निकल रहा होता है ना, तब तब मुझे अपने टेक्निक पे बहुत गर्व होता है। और फिर क्या बचती है? लाश। लाश का क्या है? काट के फेंक देता हूँ, क्या करूँगा? कभी नाली में फेंक दिया, कभी कुत्तों को खिला दिया, और ऐसे ही नहीं छोटे छोटे प्रोफेशनल हूँ, देख देता वो, ताकि आप लोगों का ध्यान ना दे। जब तुमने उन 12 लोगों को मारा, तब उनके मासूम घर वालों की याद नहीं आई तुझे? उन तेरे तेरे ये हाथ थी कपड़े, उनकी उनकी तड़प महसूस की तुझे? अब तो उनकी तड़प महसूस हो रही है, ये सोचो वो लड़कियां कितनी तड़पी होंगी। क्यों सर? क्यों? जब उन लड़कियों के साथ रेप हुए तब तो आप, आपके चूतिया कानून, आपके नपुंसक कॉन्स्टेबल्स, तब तो किसी ने उनके घर वालों के बारे में कुछ नहीं सोचा। आठ महीने की बच्ची सर, 8 महीने की बच्ची कितनी सी होती? हाँ कितनी सी होती है? इतने से हाथ में आ जाती है, इतने से हाथ। और आप बात कर रहे तड़प तड़प की, किसी की इजाजत के बिना किसी की इज्जत पे हाथ डालना, आपकी बेटी है सर? कितनी उम्र होगी इसकी? 5 साल। क्यों? अरे सोचो। मेरी बेटी के बारे में तुमने कुछ भी कहा ना तो जान ले लूंगा, जान ले लूंगा। नहीं चली ना, चली ना साले, चली ना तेरी। अब जरा सोच, कल तेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा होगा तो क्या चाहेगा? अपनी बेटी को ऐसे इंसाफ दिलाना ले जाएगा, पूरा देश तेरी बेटी के लिए मोमबत्ती लेकर रैली करे, सोशल मीडिया पे तेरी बेटी की स्टोरी डाले जाए, आई थी ह्यूमैनिटी, आई थी तेरी बेटी का नाम। यहाँ पे ना सर लड़ाई इंसाफ की है ही नहीं, यहाँ पे लड़ाई है कानून के साथ, कानून की। यहाँ पे दुख सबको होता है, यहाँ पे बुरा सबको लगता है, यहाँ पे शर्म किसी को नहीं आती सर, किसी को नहीं। ये खिलौना दे रखा है, ये खिलौना किसने दे रखा है आपको? कोई गलत लगता ठोको ना उसको, 8 महीने लग जाते आपको, 8 साल ये कोई इंसाफ देने में। ये सारे क्रिमिनल्स निडर होते, बेखौफ बेखौफ कानून तोड़ते हैं और ये घिनौना क्राइम करते, तो हम इंसाफ देने के लिए कानून क्यों नहीं तोड़ सकते? हाँ इन लड़कियों के अंदर इन लड़कों का डर बिठाना जरूरी है। ये साली वैश्य है, ये मेरी लाइनें नहीं है सर,
ये उन लोगों की लाइन है जिन्हें मैंने मारा है। 4-5 मिनट पहले की दास्तान है। उन्हें लगता है लड़कियों के अंदर लड़कों का डर बिठाना जरूरी है। और एक बात बताऊं सर, लड़कियां लड़कों से डरती नहीं है, बस लड़कों की नीयत से डरती है। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे ना सर, आपको कुछ पढ़ाई लिखाई का सुनाता हूं। किसी केस स्टडी में मैंने पढ़ा था कि 57% लड़के जब पहली बार किसी लड़की से मिलते हैं ना, उसके चेस्ट की तरफ देखते हैं। कूल लगता है ना बड़ा, लड़के बोलेंगे अच्छा हम ऐसा करते करते तो है। मोलेस्टेशन और अट्रैक्शन में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा। हमारी आधी यंग जनरेशन से सिर्फ पॉन की तरफ आकर्षित है। हाँ, किसी को कैसे बोल सकते हैं ये देखना गलत है, लेकिन आप तो इंटरप्रेट करते हैं ना सर इतने सारे लेडीज को। हाँ, जानते हो मेरा पता है कौन से रेप प्रमोशन होता है सर। बलात्कार करना तो गलत है मान लीजिए, लेकिन लोगों की सोच में बलात्कार है सर। हाँ, उसे कैसे ठीक करोगे? ये आंखों से बलात्कार करने वाले जस्टिस की स्टोरी डालते हैं। लेकिन उसमें से तो एक लड़की भी थी ना, तो क्या हो गया? मैं जेंडर इनइक्वालिटी नहीं करता, वो लड़की गलत थी, उसे मारा। एक लड़के पे एसिड फेंक दिया, पूछे क्यों? उस लड़के ने उस लड़की का प्यार टुकरा दिया। एसिड खा के वो 2 दिन पड़ा रहा हॉस्पिटल में। 2 दिन बाद ये बात आपको चुभे, ये बात कड़वी लगे, लेकिन लड़कियों की सबसे बड़ी दुश्मन खुद लड़कियां ही है सर। बात कर रहे हो आप, रेप कैसे देख लीजिए, अटैक या एसिड अटैक देख लीजिए, सबके पार्टनर सबको लड़कियां मिल जाएंगी। एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था बीच में कि घड़ी के कांटे से यहाँ पे लड़कियों के कैरेक्टर डिसाइड किए जाते हैं। आप अपनी गली में चले जाइए सर, एक लड़की का कैरेक्टर सर्टिफिकेशन आपको दूसरी लड़की दे देती है। बॉयज रूम, बॉयज लॉकर रूम, क्या था वो? बॉयज लॉकर रूम ही था ना। उस केस में आखिर में फंसा कौन? एक लड़की, एक लड़की संभाल रही थी। किन्हें समझाएंगे सर? तुझे क्या लगता है मुझे सब कुछ नहीं पता? हाँ, अबे मैं भी आया था यहाँ पर एक नई भारत की उम्मीद लेके, लेकिन क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? ये बड़े अफसरों ने क्या किया? दो दिन में मुझे मेरी औकात याद दिला दी। क्या किया? 25 साल तक इनकी कार किस तरह यहाँ पे, 25 साल तक बस इनकी हाथ की कठपुतली बनता रही। एक बात कहूं दोस्त, कानून की नजरों में तुमने जो भी कुछ किया है गलत किया, लेकिन इंसानियत की नजरों में तुमने जो कुछ भी किया वो सही किया है। वो लड़की, उसके माँ बाप, उसके घर वाले, उसका परिवार, उनके लिए बहुत कुछ सही है, बहुत कुछ सही है। तो आप क्यों रुके? किस बात के लिए रुके हो? किस बात के लिए रुके? ये वर्दी का प्रेशर है, ये वर्दी का प्रेशर ही होता ना तो मैं भी तेरे साथ यही होता। श्री कृष्ण ने एक लाइन कही थी,
इंसान दुनिया दुनिया को देखकर तुमसे नहीं होती जो गलत काम करते हैं, दुनिया को देखकर तुमसे होती है जो सच्चाई जानते हुए गलत का साथ देते हैं।